हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड द पोयम स्ट्रेंज टॉक ओके आज बेटा हम लास्ट यूनिट की पोइम रीड करेंगे स्ट्रेंज टॉक फर्स्टली वी विल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज टॉक हिंदी मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज टॉक मींस क्या होता है स्ट्रेंज मींस होता है अजनबी एंड टॉक मींस बातें अजीब बातें स्ट्रेंज का मीन्स होता है अजीब एंड टॉक का मीनिंग होता है बातें अजीब बातें लेट एस स्टार्ट अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग एंड एवरी टाइम ही स्पोक इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक इन दिस पैरा अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग एक छोटा सा ग्रीन कलर का फ्रॉग है जो लॉग जो कहा रहता है अंडर अ लॉग मीन्स लॉक के नीचे लॉग मीन्स अफ वुड ठीक है एंड फ्रॉक टाइनी एनिमल फ्रॉग मीन्स क्या होता है एक छोटा जानवर <coughs> और लॉक का मीनिंग होता है अ पीस ऑफ वुड यानी की लकड़ी का टुकड़ा एंड एवरी टाइम ही स्पोक और वो एवरी टाइम मीन्स हर बार वो ही स्पोक वह बोलता है इंस्टीट ऑफ सेड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहने की बजाय वो क्या कहता है ही ओनली सेट क्रॉक क्रॉप वो क्या कहता है क्रॉक क्रॉप ठीक है इस पैराग्राफ में बेटा ये जो फ्रॉक है फ्रॉक किस कलर का होता है ग्रीन कलर का और वो कहाँ रहता है अंडर अलॉक लॉक के नीचे एंड एवरी टाइम ही स्पोक और वो हमेशा बोलता है, है बजाय स्टीड ऑफ सींग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहने के बजाय सेन हाउ डू यू डू ही सेट क्वेक नाउ डक लिफ्ट बॉय द वॉटर साइड जो डक है वो कहा रहती है वॉटर साइड मीन वॉटर के वॉटर साइड मीन किनारे से एंड लिटिल डिड ही लेक और उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है बट वेन ई आस्क जब भी उससे पूछो हाउ डू यू डी तुम कैसी हो ही ओनली सैट क्वैक तो वो हमेशा क्या बोलती है quack, quack. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये फ्रॉग है ये डक है डक कहाँ पानी में है हम्म और जब भी इससे पूछो कि हाउ डू यू डू तुम कैसी हो तो ही ओनली सैट वो हमेशा कहती है क्वैक 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 ठीक है नेक्स्ट a little pig lived in a sty sty का मीनिंग होता है pigs house आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये जो pig है ये इसका हाउस है तो sty का मींस होता है हाउस और pig मींस तो जानते हैं सारे बच्चे a little pig lived in a sty as fast as he could be and when he asked for dinner he cried aloud wee wee a little pig lived अब देखिए एक छोटा जो पिग है वो कहाँ रहता है इन आईज स्टाई मींस अपने घर में स्टाई का मींस होता है पिग्स हाउस एज फैट एज ही कुड बी और वो इतना मोटा है जितना कि हो सकता है फैट है बच्चों यहाँ पर एफ ए टी फैट फैट का मींस आप जानते हैं सभी मोटा एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर और जब भी उससे डिनर के लिए पूछो तो ही क्राउड अ वो जोर से चिल्लाता है वी 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 ठीक है अब जो लिटिल पिग है वो इतना मोटा है जितना कि वो हो सकता है एंड व्हेन ही आस्क फॉर डिनर और जब भी उससे डिनर के लिए पूछो तो ही क्राउड अलाउड वी वी और वो तेजी से चिल्लाता है वी वी थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल एंड लव्ड टू मेक अ रो एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट दे सेड वो 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 नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर थ्री पप्स थ्री पप्स lived इन अ कैनल अब कैनल का मीनिंग क्या होता है डॉग्स हाउस ये जो थ्री पप्स हैं ये कहाँ रहते हैं कैनल में आई लव टू मेक अ रो और उनको जो है रो में चलना बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद है वो रो में ही चलते हैं एंड वेन दे मीन मे वी गो आउट जब वो बोलते हैं मे वी गो आउट दे सैड वो वे कहते हैं वो 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 नेक्स्ट इफ़ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज अगर सभी एनिमल्स छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह बोलते एंड ऑल ऑफ दैम ट्राइड टू स्पीक एट वन वुड नॉट इट मेक अ नॉइज या वो कोशिश करते है बोलने की एनिमल्स तो आप सोच लीजिए कि, कि कितना ज़्यादा शोर होता कितनी ज़्यादा आवाज़ होती ठीक है अब देखिए इस पोएम में आपको एक तो एनिमल्स की साउंड पता चली हुँ? आपने जाना कि एनिमल्स की साउंड क्या होती है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक क्रॉक क्रॉक डक क्वैक क्वैक पिक पप्स वो वो नाव सी न्यू न्यू वर्ड्स स्टील बजाय लैक मीन्स क्या होता है कमी किसी चीज़ की कमी स्टाइप पिक्स हाउस कैनल डॉक्स हाउस रो रो का मीनिंग होता है लाइन एंड मीट मीन का मीनिंग होता है मतलब किसी चीज़ का मतलब नेक्स्ट रीडिंग इज फन आर दिज सेंटें ट्रू और फॉल्स ये जो सेंटेंसेज है ना यू यू टेल मी यूल फ्रॉक क्या जो लिटिल ग्रीन फ्रॉग है वो क्वेक कहता है नो दिस इज फॉल्स वो क्वेक नहीं कहता है नेक्स्ट आ लिटिल पिग लव टू मेक आ रो जो लिटिल पिग है उसको रो बनाना अच्छा लगता है दिस इज ऑल्सो फॉल्स ये भी गलत है नेक्स्ट अ डक ओनली क्रॉक क्रॉक क्या जो डक है वो केवल क्रॉक क्रॉक कहती है है नो दिस दिस इज इज फॉल्स अपिक क्राइड अलाउड वी वी ट्रू यह सही नेक्स्ट क्रॉक्रॉको फॉल सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव डू यू थिंक सीमा शुड टॉक अब इसमें क्या है कि सीमा टॉक्स अ लॉट यानी कि सीमा बहुत ज्यादा बात करती है सीमा इज वेरी टॉकेटिव गर्ल एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव और उसका जो भाई है वो उसको क्या कहकर बुलाता है देखिए और किससे करनी चाहिए टीचर इज टीचिंग इन क्लास क्या सीमा को, को तब बात करनी चाहिए जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है नो no. तब हम लोगों को साइलेंट रहना चाहिए जब टीचर पढ़ा रही है उस समय आप लोगों को साइलेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑन द्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं While eating, जब वो खा रही हो तो बात करनी चाहिए नो no, तब नहीं करनी चाहिए वेन मदर आस्क हर अबाउट वॉट हैपन इन स्कूल जब उसकी माँ उससे पूछे कि स्कूल में क्या हुआ तब उस, उसको बात करनी चाहिए यस दिस इज राइट मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे यस yes. नेक्स्ट आपका है कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स ये जो बॉक्स है इसमें कुछ वर्ड्स हैं इनसे आपको क्या बनाना है सेंटेंस बनाना है नाउ सी विल कैन व्हाट हाउ वेयर व्हेन डैश इज योर नेम जब हम किसी से कुछ भी पूछते हैं तो क्या यूज करते हैं व्हाट व्हाट इज योर नेम तुम्हारा क्या नाम है व्हाट व्हाट मींस होता है क्या नेक्स्ट डैश ओल्ड आर यू तो ओल्ड आर यू यहां से पूछा जा रहा है कि कितने आप कितने साल के हो तो कितने के लिए क्या यूज होता है हाउ हाउ ओ ओल्ड आर यू आप कितने साल के हो या फिर तुम कितने साल के हो नेक्स्ट डैश डू यू प्ले वैन डू यू प्ले तुम कब खेलते हो ठीक है वैन डू यू प्ले तुम कब खेलते हो नेक्स्ट डैश डू यू लिव वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो आपको जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पहले सेंटेंस का मीनिंग समझना है उसके बाद यहाँ पर करेक्ट वर्ड फिल करना है नेक्स्ट टिक द करेक्ट वर्ड वी डिड नॉट शूट इन क्लास और शाउट इन द क्लास वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास हमें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए तो हम किस पर टिक करेंगे शाउट पर नेक्स्ट डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर और वोटर तो किस पर टिक करना है वॉटर क्या तुम्हें पानी पीना पसंद है या आपको पानी पीना अच्छा लगता है तो वॉटर पर आप टिक करेंगे नेक्स्ट आपका है ही टायर टू क्लाइम द ट्री और ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री तो आप ट्राइड पर ट्राइड पर टिक लगाएंगे वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है या करता था या कर रहा है तो ट्राई इड मीन्स होता है कोशिश करना नेक्स्ट विल यू प्लीज़ हेल्प मी यहाँ पर एक प्लेस दिया हुआ है प्लीज है तो प्लीज़ इज़ द करेक्ट वर्ड्स सो वी विल मेक द सर्कल ऑन द प्लीज विल यू प्लीज हेल्प मी नेक्स्ट आपका है आई कैन सी विद माई आइज़ मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ यहाँ पर एस डब्लू ई सी है और एस ई ए सी है यहाँ एस डब्लू सी का मतलब देखने से होता है एंड एस ई ए इसका मीनिंग है समुद्र तो एज डबली सी इज़ द करेक्ट नेक्स्ट आपका है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं इज़ है तो इससे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो बट यहाँ पर दिस इज़ माय न्यू हाउस लिखा हुआ है uh, अगर आपको ये सेंटेंस लिखना है यू कैन राइट अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो दिस इज़ माई बुक शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एज यू विश नेक्स्ट आर आर यू हंगरी भी हो सकता है दे आर प्लेइंग भी हो सकता है आपको इन वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है नेक्स्ट हैज शी हैज ओनली वन पेंसिल हैड वी हैड पीजा डेड का यूज हम बच्चों करते हैं पास्ट के लिए जैसे शी हैजनली वन पेंसिल उसके पास केवल एक पेंसिल है तो ये एक पेंसिल वाली बात प्रेजेंट की है बट यहाँ हैड आया तो हैड का मीनिंग है मतलब बीत चुका वी हैड पिज़ा यस्टर्डे हमने कल पिज़्ज़ा खाया ठीक है नेक्स्ट आपका है राइट फाइव लाइन्स ऑन माई पैट आपको अपने पैट पर फाइव लाइन्स लिखनी है आई हैव अ पैट डॉग हिज नेम इज़ ब्रूनो आपके घर में जो भी पैट है उसका जो भी नाम है यू कैन राइट हेयर ही इज़ ब्राउन इन कलर यू कैन चेंज अगर आपके यहाँ आप वाइट कलर का है तो आप वाइट लिख सकते हो जिसके यहाँ जो भी कलर का है वो आप लिख सकते हो ही इज़ वेरी एक्टिव ही लव्स टू ईट ब्रेड नाउ Now let us enjoy this poem. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all the like that wise old bird? But, आपको ये poem जो है बार बार read करनी है okay? आपको ये enjoy करनी है बोल बोल कर ये poem आपको रीड करनी है नाउ दिस इज डन आपको यहाँ तक अपनी बुक एक्सरसाइज में ये सब कंप्लीट करना है नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बेटा